अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपका तहलक चाहे किसी भी कंट्री से है, इस वीडियो को आपने ध्यान से पूरा देखना है। अगर आप यूएई में विजिट वीज़ा लेकर आने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर आकर आप जॉब करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी यूएई के अंदर विजिट वीज़ा लेकर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अक्सर विजिटर लोग यहां पर आने के बाद जॉब ढूंढने के चक्कर में मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह वो चीजें यहां पर क्लियर करके बताऊंगा और आपने इनको फॉलो करना है ताकि आप दोस्तों इन चीजों से, इन मिस्टेक से बच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियो आपको पहुंची रहे। तो दोस्तों यूएई में आने के बाद जब आपके पास विजिट वीजा होता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको जॉब तलाश करने के बाद जब आपकी मर्जी का काम मिल जाता है तो सबसे ज्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अपना पासपोर्ट उन लोगों के हवाले बहुत जल्दी कर देते हैं। यानी जिस कंपनी के अंदर आपने काम करना है या जिस महकमे के अंदर आपने काम करना है उस जगह आप बहुत जल्दी ही अपना पासपोर्ट जमा करवा देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। किसी कंपनी के बारे में, किसी आदमी के बारे में जब तक आप मुतमईन न हो जाएं, अगर आप उनके बारे में छानबीन न कर ले, आप कभी भी अपना पासपोर्ट उनके हवाले न करें। लेकिन दोस्तों चलो ये तो एक छोटी मिस्टेक है, इससे जो बड़ी मिस्टेक है वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो ये है कि जब किसी कंपनी में उनको बताया जाता है कि हमारे पास आपकी मर्जी का काम है, हम इतनी सैलरी देंगे और हम आपको इतने घंटे काम करवाएंगे, उसके बाद इतना घंटा अपना आपका ओवर टाइम होगा, तो ऐसी सूरत में दोस्तों ना सिर्फ हम अपना पासपोर्ट उनके हवाले कर देते हैं बल्कि बगैर कोई दोस्तों उनसे ऑफर लेटर लिए हम अपना पासपोर्ट हवाले कर देते हैं, हम वहां पर काम करने लग जाते हैं, या दोस्तों वहां पर काम करने के बाद उनके साथ किसी भी किस्म की क्लियरली तौर पर बात नहीं करते, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे पास अगर 3 महीना का विजिट वीजा है, हमारा पहला महीना जब गुजर जाता है या ऑलरेडी हमारे जॉब ढूंढती हुई है 15-20 दिन जाया हो चुके होते हैं, तो इस दौरान हमारा पहला महीना पूरा होता है, हम उनसे सैलरी के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारे जो पेमेंट है वो फंसी हुई है, हमको आपको थोड़े दिन के बाद पेमेंट देंगे, सैलरी देंगे। तो दोस्तों जब आपका दूसरा महीना पूरा होता है, दूसरा महीना पूरा होने के बाद जब आप दोबारा उनसे पूछते हैं तो आपको यही कहकर टाला जाता है, जबकि आपका दोस्तों जो विजिट वीजा का टाइम है खत्म होने के करीब तरीन आ जाता है, बाद में क्या करते हैं आपको वो 1 महीना का सैलरी दे देते हैं या कभी थोड़ी दे देते हैं और आपको खर्चा दे देते हैं, वो आपको ये कहकर कि हम आपका वीजा लगाने वाले हैं। इसी चक्कर में दोस्तों यानी वीजा लगाने के चक्कर में वो आपका ओवर स्टे कर देते हैं 2 से 3 महीने। और ये सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 50% या 50% से भी ज्यादा ऐसी जगह होती है, यहाँ पर आने के बाद आपके पास अगर विजिट वीजा है और विजिट वीजा में आप किसी जगह फंस चुके हैं तो ये मामला आपके साथ पेश आ सकते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि जिस कंपनी के पास हम काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर हमें काम मिलता है, उनसे किसी भी किस्म का ऑफर लेटर नहीं लेते, किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेते, या हमारा वो अगर पासपोर्ट रखते हैं तो पासपोर्ट रखने के टाइम हम उनसे दोस्तों कोई ऐसा सबूत नहीं लेते जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट उनके पास है, हमारे पास कोई इसका प्रूफ हो। तो दोस्तों जो लोग कंपनी चेंज करते हैं, कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, वो भी इस चीज का ख्याल किया करें। लेकिन स्पेशली विजिटर जो यहां पर आने के बाद काम ढूंढने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो लाजिम इस चीज का ध्यान रखें, कहीं भी अपना पासपोर्ट जमा करवाना हो तो उसका लाजमी को प्रूफ ले लिया करें। या दोस्तों आप किसी जगह में काम करते हैं, आपको पसंद आ गया, वहां पर आपने फ्यूचर में काम करने के बारे में सोचा है, तो लाजमी उनसे ऑफर लेटर लें ताकि बाद में अगर किसी रीजन की वजह से उनके ऊपर केस करना पड़े तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो, आपके पास कोई प्रूफ हो जिसकी वजह से आप उनके साथ केस करके आप अपना केस जीत सके। इससे रिलेटेड दोस्तों आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।